What's up, beautiful people? This is Gaurav Giri. Welcome back to my YouTube channel, Just Gaurav. आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज का दिन ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ना कहीं बाहर जा रहा हूँ, और ना ही कुछ घर में भी इंटरेस्टिंग कुछ है करने को। बाहर तो एकदम दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है बहुत बारिश होगा, आसमान फट पड़ेगा आज हम पे। लेकिन दिल को फिर भी एक सुकून है कि घर पे मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी तन्हाई है। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ कि मैं ये करूँगा, ठीक है, फिर वो करूँगा, लेकिन हर वक्त प्लान होने के बाद फिर वो कैंसिल हो जाता है। और इसमें मेरा ना रिकॉर्ड है, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बुक पे अगर नाम दर्ज करना हो तो मेरे सबसे पहले आएगा। मैंने सोच लिया कि ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वो खरीदूँगा, या कुछ भी हो, अगर मैंने सोच लिया पहले से कि हाँ ये आज ही करूँगा, तो वो नहीं होता है। क्योंकि अपन तो ही है ही बैड लक के किंग। संडे मैंने सोच के रखा है कुछ एक्साइटिंग करने के लिए, कहीं जाना है, तो अभी से मैं अनरील कर रहा हूँ कि संडे को मैं एक नया व्लॉग लाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो वेट कीजिए, अभी देर ही है संडे आने में। तो सुबह सुबह मुझे ये रोज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये मैं रोज़ पीता हूँ सुबह, गर्म पानी के साथ नींबू और हनी। फिर इस नींबू के छिलके को मैं बॉईल करने देता हूँ, ये मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ, हर रोज मैं खाता हूँ। और ये है आंवला। यह है वो आंवला का जूस जो मैं अभी पीने वाला हूँ, बहुत ही कड़वा है। लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तो रोज़ इसे पीना चाहिए। तो अभी पानी और नींबू बॉयल हो रहा है एक साथ, ये बहुत ही अच्छा है फैट लॉस के लिए। एम्प्टी स्टमक हर रोज़ पीना चाहिए सबको। एक चम्मच हनी, बस। तो ये है हॉट वाटर विथ नींबू एंड हनी, ठीक है, गरम है। उई माँ, जल गया मुँह, जल गया। ऐसे ही करने का कुछ है नहीं सारा दिन, और बारिश शुरू हो चुका है। बंदा घर बैठे करे तो करे क्या। तो अभी बज चुका है सुबह का 11, और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हूँ, तो आज कुछ मिला नहीं, इसलिए पाइनएप्पल ही खा रहा हूँ सुबह। बट ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे खाना बनाना है, आज फिर से मैं खाना बनाना दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा लेंथी प्रोसेस पे नहीं, शॉर्टकट पे, ठीक है।
जिसे बंगाली में कहते हैं कि पाप दमा से छाल, ठीक है। इसमें थोड़ा काला जीरा डालूंगा, काला जीरा डालने के बाद प्याज डालूंगा इसमें, प्याज को तब तक फ्राई करते रहिए जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। जो बचा हुआ मसाला है इसमें पानी डालूंगा, पानी डालने के बाद वो डालूंगा उसमें। सुन पा रहे, थंडरस्टॉर्म हो रहा है। तो लगभग ये तैयार हो चुका है, अभी मैं इसमें पानी डालूंगा। अभी मैं इसको छोड़ दूंगा 5 मिनट तक अकेला, इसको डिस्टर्ब ना करूं तो बेहतर होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे कुकिंग कैसे आता है, मैंने कहाँ सीखा या किससे सीखा। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ ये आप लोग विश्वास तो नहीं करोगे, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन मैंने कुकिंग किसी से नहीं सीखा। जब घर पे मम्मी या पापा, मेरे पापा भी बहुत अच्छे कुक करते हैं, तो जब वो लोग खाना बनाते थे तो मैं ऑब्ज़र्व करता था। मैं बहुत ही अच्छा ऑब्ज़र्वर हूँ, तो ऑब्ज़र्व करते करते सीख गया। एक दिन मम्मी को बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगा, संडे था, चिकन था, तो मैंने चिकन, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अच्छा बन भी गया, मतलब वो बहुत ही अच्छा बना था, मैं खुद हैरान हो गया था। देखिए एक बात तो सही है कि कोई भी आदमी या औरत जब खुद खाना बनाता है, खुद का खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, ये तो फैक्ट है, ठीक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो फैक्ट है वो फैक्ट है रे बाबा, ठीक है। लेकिन वो खाना सच में बहुत बढ़िया बना था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। एंड आप लोग अब तक मुझे जितना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लिटरली थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो ताकि और लोग मुझसे जुड़ पाए, जो मैं कर रहा हूँ वो देख पाए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो ठीक नीचे यहाँ पे जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और क्या बोलो, अच्छे रहो, दिल से कह रहा हूँ ये बात, सब अच्छे रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो जस्ट गौरव। मैं सबसे एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा कि
बाहर तो हम लोग को जाना ही है क्योंकि एसेंशियल गुड्स खरीदने के लिए जाना पड़ता है और जो है बहुत काम रहता है जिसके लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो मास्क ज़रूर पहनिए। मास्क के बगैर बाहर मत निकलिए। अगर N95 मास्क ना हो तो 2 या 3 मास्क पहन के निकलिए। हाँ, मालूम है कि वो बहुत तकलीफ़ देता है अगर 2-3 मास्क एक साथ पहने, गर्मी लगता है, पर क्या करें, जान से तो प्यारा और कुछ नहीं। तो इस कोरोना के अंदर हम लोगों को सुरक्षित रहना है, कोरोना से फाइट करना है और जीवित रहना है। तो सब अच्छे से रहिएगा, सबको हेल्प करते रहिएगा और ऐसे तरह सबको प्यार बांटते रहिएगा। थैंक यू।